हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे सैंडविच और रोल्स में लगाकर खाई जाने वाली चटनी। इस चटनी से ब्रेड बिल्कुल भी सौगी नहीं होगी और सैंडविच या रोल का टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले एक बंच या 1.5 कप हरा धनिया लेंगे, मोटी डंडी निकाल देंगे और पतली पतली स्टेम्स को ले लेंगे, क्योंकि हरे धनिया की डंडी में भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और चटनी गाढ़ी भी बनेगी। तो अब इसके साथ लेंगे 5 से 6 हरी मिर्चें। अगर मिर्चें तीखी हैं तो आप अपने हिसाब से डालें, और 3 से 4 लहसुन की कलियां। मेरी लहसुन की कलियां बड़े साइज़ की हैं तो मैंने 3 से 4 डाली हैं, अगर आपके छोटे साइज़ की हो तो 5 से 6 डाल दें। 1/2 इंच टुकड़ा अदरक का, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून दही। दही की जगह आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और अब चटनी में एक अच्छा सा गाढ़ापन आए, थिकनेस आए, तो उसके लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून रोस्टेड चना। इसकी जगह आप रोस्टेड मूंगफली भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ डालेंगे 1 टेबलस्पून आलू की भुजिया। आलू भुजिया ना हो तो सेव भुजिया या बूंदी का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब इन्हें बिना पानी डाले अच्छे से पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो 1 टेबलस्पून पानी डाल लें, लेकिन कोशिश करें बिना पानी डाले ही पीसें। तो ये देखिए, हमारी टेस्टी सैंडविच वाली चटनी बनकर तैयार है। इससे आप जब सैंडविच या रोल बनाएंगे तो ब्रेड या रोटी सौगी नहीं होगी। तो आप भी इस तरह से चटनी बनाएं। और अगर इसी को नॉर्मल चटनी की तरह खाना हो तो थोड़ी दही और ऐड कर लें इसमें, तो ये नॉर्मल पराठे, दाल, चावल या स्नैक्स के साथ खाई जाने वाली चटनी बन जाएगी। तो आप भी ट्राई करें ये रेसिपी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें।